मणिपुर में दो महिलाओं के साथ हुए हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। भीड़ के द्वारा महिलाओं को निर्वस्त्र कर परेड कराने वाले वायरल वीडियो को देखकर हर किसी के अंदर गुस्से की ज्वाला फूट रही है। मानवता को शर्मसार कर देने वाले इस वायरल वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर लोग अपराधियों के खिलाफ कड़े से कड़ा एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। दो महिलाओं के साथ हुई इस घटना से बॉलीवुड सितारों का भी गुस्सा फूटा है। कई सितारों ने इस दिल दहला देने वाली घटना पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की और अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा कि वह मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो देखकर हैरान है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, मुझे उम्मीद है कि कसूरवारों को इतनी कड़ी सजा मिलेगी कि कोई फिर ऐसी खौफनाक हरकत करने की भी सोच ना सके। वहीं कियारा आडवाणी ने कहा कि वे प्रेयर कर रही हैं कि महिलाओं को जल्द से जल्द इंसाफ मिले। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ हिंसा का वीडियो डराने वाला है और इसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया है। इसके जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्मिला मातोंडकर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने लिखा, मणिपुर में हुए हादसे की वीडियो से मैं अंदर से हिल गई हूँ और इस फैक्ट से शॉक हूँ कि ये मई में हुआ और इस पर किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन लोगों को शर्म आनी चाहिए जो सत्ता के नशे में चूर हैं और ऊंची पोस्ट पर बैठे हुए हैं। मशहूर हस्तियाँ चुप हैं, प्यारे भारतीय हम यहाँ पर कब पहुँचे। वेणुका सहानी ने अपने गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, मणिपुर में इस निर्दयता को रोकने वाला कोई नहीं है। अगर आप दो महिलाओं को परेशान करने वाले इस वीडियो को देखने के बाद भी अंदर तक नहीं हिले हैं तो आपको खुद को इंसान कहने का कोई हक नहीं है। भारतीय या इंडियन की तो बात ही छोड़ दो। सोनू सूद ने भी अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए लिखा, मणिपुर में हुए हादसे ने हर किसी की आत्मा को अंदर तक हिला कर रख दिया है। ये इंसानियत की लोगों ने परेड निकाली है, सिर्फ महिला की नहीं। इसके अलावा अनुपम खेर ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, मणिपुर में हुई दो महिलाओं के साथ राक्षसी वृत्ति वाली घटना शर्मनाक है। मन में बहुत ज्यादा क्रोध भी जागा है। मेरी राज्य सरकार, केंद्र सरकार से दरख्वास्त है कि जो इस घिनौनी हरकत के जिम्मेदार हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ऐसी सजा जिसमें भविष्य में कोई सोचने से भी कांप उठे। आपको बता दूं, मणिपुर के लोग पिछले काफी समय से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं। मणिपुर में इम्फाल घाटी में केंद्रित मेजॉरिटी मेईती और पहाड़ियों पर कब्जा करने वाले कुकी लोगों के बीच जातीय टकराव चल रहा है, जिसके बाद से मणिपुर में ये हिंसा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इस हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।